आरती। जूनागढ़ मजेवाड़ी गेट के पास असामाजिक तत्वों और पुलिस के बीच हुई झड़प में मामले में 174 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, 31 मामला दर्ज किया गया। और क्या है स्थिति, कैसी होगी कार्यवाही, इस पर क्या बोले ओवैसी, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। जूनागढ़ के मजेवाड़ी गेट के पास स्थित दरगाह को लेकर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 31 लोगों के नामजद मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 307 सहित पुलिस ड्यूटी में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। 500 से अधिक लोगों की भीड़ के खिलाफ दंगा करने की शिकायत दर्ज की गई है। इस मुद्दे पर AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने चुप्पी तोड़ते हुए हमला बोला है। ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा है कि हम पर ही जुल्म होगा, हम ही जालिम कहलाएंगे। जूनागढ़ के मामले में दरगाह के बाहर युवकों की पिटाई का वीडियो साझा करके ओवैसी ने हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि हम पर ही जुल्म होगा, हम ही जालिम कहलाएंगे, हमको ही मारा जाएगा और हम पर ही मुकदमे चलाए जाएंगे। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कई ट्वीट किए हैं। दूसरे ट्वीट में ओवैसी ने लिखा है कि गुजरात के जूनागढ़ में दरगाह को तोड़ने का मुस्लिम युवकों ने विरोध किया तो जनता का रक्षक कहे जाने वाले पुलिस मुस्लिम युवकों को उसी दरगाह के सामने अपने पट्टे से सबके सामने पीट रही थी। निगम ने नगर नियोजन अधिकारी ने कहा कि केवल साक्ष्य के आधार पर नोटिस दिया गया था। नोटिस केवल उन मंदिरों और दरगाहों को दिया गया है जिन्हें जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पिपौजा साइक्लोन का खतरा टला, ये साइक्लोन ने तबाही मचा दी, लेकिन सरकार की सतर्कता और लोग बच गए। बादलों में जब बिजली बनती है तो उसकी वजह से उनमें बेहद गर्मी पैदा होती है। ये गर्मी पूरे बादलों में तेजी से फैलती है और इसकी वजह है गरज पैदा होती है। पहले समझे बादलों के बीच बिजली कैसे बनती है, आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात के समय जब बादल आसमान में छा जाते हैं और तेज बारिश के बीच बिजली कड़क रही होती है तो इस बीच तेज तेज बादलों के गरजने की आवाज सुनाई देती है। यह रिपोर्ट में हम आपको इस आवाज के पीछे की साइंस समझाएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि बारिश के बूंदों के बीच ऐसा क्या होता है कि बिजली उत्पन्न हो जाती है। यह सब कुछ विज्ञान के जरिए होता है। दरअसल जब आसमान में ढेर सारे पानी वाले काले बादल इकट्ठा हो जाते हैं तो बादलों में मौजूद बहुत छोटे छोटे बर्फ के कण जो क्रिस्टल के रूप में होते हैं वो आपस में घर्षण करने लगते हैं। इसी घर्षण से ये पानी के कण चार्ज हो जाते हैं। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा के कण आपस में टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। जब ये काफी मात्रा में टकराते हैं तो बिजली इतनी तेज चमकती है कि पूरा आसमान रोशन कर देती है। हालांकि आपने नोटिस किया होगा कि आसमान में पहले हमें बिजली की चमक दिखाई देती है, फिर उसके बाद बादलों के गरजने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम में मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 2025 तक भारत का संकल्प टीबी मुक्त देश का है। इस दौरान उन्होंने बिपौजय तूफान का जिक्र करते हुए कच्छ के लोगों की तारीफ भी की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की कही है। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पहली बार यह कार्यक्रम अपने तय समय से एक हफ्ते पहले प्रसारित किया गया। इस बारे में पीएम मोदी ने बताया कि अगले हफ्ते होने वाले अपने अमेरिकी दौरे की व्यस्तता के चलते वह तय समय से पहले लोगों को संबोधित कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान बिपौजय का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, कठिन से कठिन चुनौती हो, भारत के लोगों का सामूहिक बल, सामूहिक शक्ति हर चुनौती का हल निकाल देता है। बिपौजय ने कच्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत से और तैयारी के साथ इस खतरे का और साइक्लोन का मुकाबला किया वो भी उतना ही अभूतपूर्व है। प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है वो आज एक उदाहरण बन रही है। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस बार के योग दिवस से जुड़ने का आग्रह किया और कहा कि योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाले 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बेहतरीन मौका है।
ब्यूरो रिपोर्ट। अरब सागर में उठे समुद्री चक्रवात बिपरजॉय से बखूबी निपटने और लोगों को मदद पहुंचने के लिए गुजरात सरकार के काम की तारीफ के बीच रिवाबा जाडेजा की कुछ फोटो सामने आई है। राहत सामग्री के ऊपर रिवाबा जाडेजा की फोटो लगे होने पर लोग गैर जरूरी बता रहे हैं। टीम इंडिया के क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी रिवाबा जाडेजा जामनगर उत्तर से विधायक है। गुजरात में समुद्री चक्रवात बिपरजॉय के बीच रिवाबा जाडेजा सुर्खियों में आ गई है। वे महा तूफान से निपटने की तैयारी में पिछले एक हफ्ते से जामनगर में सक्रिय है और लोगों की मदद कर रही थी। इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन रिवाबा जाडेजा के कुछ नमकीन के पैकेट के ऊपर फोटो लगी तस्वीरें भी सामने आई है। इन फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट सामने आ रही है उनमें कहा जा रहा है कि ऐसी आपदा में मदद तो ठीक है, लेकिन पैकेज पर तस्वीर की क्या जरूरत है। बिपरजॉय संकट में जरूरतमंदों को बांटी जाने वाले नमकीन के पैकेट पर रिवाबा जाडेजा की फोटो चस्पा की गई थी। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीर सही है। इन तस्वीरों को खुद रिवाबा जाडेजा ने अपने फेसबुक अकाउंट से साझा किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि सेवा जो एक संकल्प है, उसके तहत चक्रवात की संभावित आपदा में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए मेरे द्वारा भोजन के पैकेट तैयार किए गए थे। रिवाबा जाडेजा पहली बार जामनगर नॉर्थ की सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ी थी और उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन संकट के समय पर खाने की सामग्री पर फोटो लगाने को लेकर उनकी आलोचना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। चुनावी मौसम में राहुल गांधी ने ब्रिटेन और अमेरिका का दौरा करने का क्यों फैसला किया? क्या इसके पीछे कांग्रेस का कोई गेम प्लान है, या फिर राहुल गांधी के मन में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ और ही चल रहा है? देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं तो अब सांसद भी नहीं हूँ, मुझे यहाँ पसंद है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस के इंतजार में जब राहुल गांधी को करीब 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा तो उनके चेहरे पर कोई शिकन या गुस्सा नहीं था। एयरपोर्ट के यात्रियों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। अब बात करें आखिर क्या नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी जैसे नेता अमेरिका और ब्रिटेन का दौरा करना पसंद करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को अच्छी खासी तादाद। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के मुताबिक अमेरिका में प्रवासी भारतीयों की आबादी 40 लाख से अधिक है। उनकी मेडिकल, इंजीनियरिंग, फाइनेंस सेक्टर में अच्छी दखल है। 2024 चुनाव में यदि एनडीए को बहुमत मिलता है तो मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। यदि बीजेपी 200 लोकसभा सीटों से नीचे रहती है और कांग्रेस बिग जंप लगाने में कामयाब होती है तो जरूर यह सवाल उठेगा कि पीएम पद पर किसकी दावेदारी होगी। कांग्रेस अपने दम पर 150 से अधिक सीट जीतती है और दूसरे विपक्षी दल भी इसी के आसपास सीटें लाते हैं तो जरूर वैकल्पिक सरकार की बात आएगी। उस वक्त राहुल गांधी की दावेदारी की जरूर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। पिछले दिनों एक आरटीआई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश की इकोनॉमी से भारी संख्या में 500 रुपए की नोट गायब है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया दी? क्या है रिपोर्ट में स्पेशल दावा का सच? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 88,32.5 करोड़ रुपए के मूल्य की 500 रुपए की नोट रहस्यमय ढंग से देश की इकोनॉमी से गायब है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत एक जवाब से पता चला कि नासिक के करेंसी नोट प्रेस द्वारा नए डिजाइन के साथ 500 रुपए के 375,450 मिलियन नोट छापे गए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आरबीआई के रिकॉर्ड से पता चलता है कि अप्रैल 2015 और दिसंबर 2016 के बीच केंद्रीय बैंक को केवल 345,000 मिलियन प्रिंटेड नोट ही प्राप्त हुए थे। इस मामले पर रिजर्व बैंक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सूचना की गलत व्याख्या की गई है। रिजर्व बैंक के पास प्रिंटिंग प्रेस से आरबीआई को आपूर्ति किए गए सभी बैंक नोटों का उचित हिसाब है। रिजर्व बैंक ने कहा कि ये रिपोर्ट सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रिंटिंग प्रेसों से एकत्र की गई जानकारी की गलत व्याख्या पर आधारित है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये लोगों से अनुरोध है कि ऐसे मामले में रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर प्रकाशित होने वाली सूचनाओं पर ही भरोसा करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। सिलिकॉन से बनी इस बेहद छोटी चीज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कोरोना काल में जब इनकी सप्लाई धीमी पड़ गई थी तो दुनिया भर के लगभग 169 बड़े उद्योगों में हड़कंप सा मच गया। इस काम में चीन को आगे बढ़ने नहीं देगा यूएस, भारत का लगेगा दाव। पीएम मोदी और बाइडेन में हो सकती है ये डील। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। दोनों के बीच वैसे तो तमाम मुद्दे तनातनी के कारण है, लेकिन सेमीकंडक्टर को लेकर दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। वहीं इस बीच भारत को बड़ा मौका हाथ लगा है।
इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से अमेरिका के दौरे पर होंगे। भारत और अमेरिका के बीच कई समझौते हो सकते हैं, खासकर सेमीकंडक्टर को लेकर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत हो सकती है। जैक सुलविन का कहना है कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर भारत अमेरिका सहयोग पर परिणाम बेहतर होंगे, क्योंकि भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के तरीकों पर अमेरिका और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। देश के जाने माने उद्योगपति और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना करने के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र की दिग्गज फॉक्सकॉन के साथ एक करार किया है। दोनों कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए गुजरात सरकार के साथ 2 MOU भी साइन किए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत दोनों कंपनियां गुजरात में 1,56,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर रांची कोर्ट में प्रदीप मोदी ने 23 मई अप्रैल 2019 को मुकदमा दायर कराया था। मामले में अगस्त 2022 तक पीड़क कार्यवाही पर लगी रोक समाप्त हो चुकी है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को आखिरी समन, क्या हाजिर होंगे राहुल गांधी, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ गुजरात कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी सांसदी चली गई, तो वहीं अब रांची कोर्ट ने उन्हें आखिरी समन जारी करते हुए 4 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर रांची कोर्ट में प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को मुकदमा दायर कराया था। मामले में अगस्त 2022 तक पीड़क कार्यवाही पर लगी रोक समाप्त हो चुकी है। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए राहुल गांधी की उपस्थिति को लेकर कोर्ट ने पहले भी समन जारी किए थे। राहुल गांधी के वकील ने फरवरी में उपस्थिति से छूट की अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने 3 मई को खारिज कर दिया था। अब एक और समन जारी करते हुए उन्हें पेश होने को कहा गया है। मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा था। इस पर कोर्ट ने 4 जुलाई की तारीख तय की है। शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी के वकील कुशल अग्रवाल ने बताया कि राहुल गांधी को यह आखिरी समन है। अगर वह नहीं आते हैं, तो राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।